हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ हिंदी की बुक का चैप्टर 19, आश्रम का अनुमानित व्यय। मतलब जो आश्रम है, बेसिकली गांधी जी का जो आश्रम था उसमें कितना खर्चा होता था, अनुमानित मतलब एक्सपेक्टेड खर्चा कितना होता था, उसके बारे में ये चैप्टर लिखा गया है। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे, तो कहते हैं कि जो उनकी संस्था थी और जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था उसकी स्टार्टिंग में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है, तो कहते हैं कि अभी 40 है फिर 50 हो सकते हैं थोड़े टाइम में। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है, तो हर महीने लगभग 10 गेस्ट भी आते हैं। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, तो जो गेस्ट आते हैं लगभग 10, उसमें से 3 या 5 जो है वो पूरी फैमिली के साथ भी आते हैं। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। तो एक मतलब लिख रहे हैं कि इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो फैमिली वाले लोग हैं वो लोग एक साथ रह सकें और जो अकेले अकेले आए हैं वो सब एक साथ रह लें। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोग के रहने लायक जगह हो जाएगी। तो 50,000 स्क्वायर फीट का घर होना चाहिए पूरा और 3 रसोई होनी चाहिए, 3 किचन होनी चाहिए। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। तो इतना होना चाहिए कि 3,000 जो है बुक्स आ जाए, ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए और अलमारियां होंगी तभी तो बुक्स आएंगी। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। तो साउथ अफ्रीका से जब आए तो अहमदाबाद में गांधी जी ने आश्रम बनाया, उसके बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है। आगे कहते हैं, कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औज़ार चाहिए, इनमें कुदालियाँ, फावड़ों, खुरपों की ज़रूरत है। तो भाई खेती की ज़मीन भी चाहिए, लोग कमाएंगे खाएंगे कैसे। बढ़ई गिरी के निम्नलिखित औज़ार भी होने चाहिए, बढ़ई वगैरह जो जैसे कि लकड़ी का काम करने वाले। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ। ये देखिए, ये सारे के सारे ना औजार हैं जो कि काम में आते हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर एक समझ लीजिए आप, एक हथौड़ा समझ लीजिए, कीले हो गए, ये सारे के सारे सामान, और मोची के जो मोची जूता बनाता है उसके औजार। तो ये मतलब बेसिकली इनका काम, कहना का मतलब ये था कि आश्रम में जितने भी लोग रहेंगे वो अपना हर एक काम खुद ही करेंगे। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। तो 5 रुपये का खर्च आएगा, आज तो 5 रुपये में कुछ भी नहीं होता है ना। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा, तो 150 रुपये का खर्च रसोई पे। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए, तो बैलगाड़ी भी चाहिए भाई। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ, तो एक महीने में हर व्यक्ति पर 10 रुपये का खर्च होगा। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। तो कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में तो हम लोग शायद खर्च ना निकाल पाए। वर्ष के औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा, तो 50 लोग हैं अगर आश्रम में, तो लगभग 50,000 रुपये इन 50 लोगों का खर्च आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रत्येक 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी जगह जुटा लूँगा। मतलब ये सोच रहे हैं कि अहमदाबाद में कहीं पर इनको ज़मीन और घर की जगह मिल जाए तो बाकी सारे खर्च तो ये खुद ही देख लेंगे। अब क्योंकि विचार बदल गया, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या उससे कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। तो अहमदाबाद के मतलब जो पूरा रीजन है उसको खुद उठाना चाहिए पूरा खर्च। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैं खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें उसे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। तो फिर ये कहते हैं कि मतलब खर्चा ये है, मैंने जल्दी में तैयार किया है खर्चा, तो हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी हो, और गड़बड़ी मतलब कुछ चीज़ें रह गई हो या अनुमान से ज़्यादा हो, अनुमान से कम हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो लोकल एरिया होता है उसके हिसाब से खर्चा गड़बड़ सकता है।
अब बॉक्सर बताया गया, अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। तो इस अहमदाबाद में जो आश्रम था, इसका संविधान मतलब इसमें क्या क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, वो सब गांधी जी ने खुद तैयार किया था। तो इससे हमें समझ में आता है कि वो क्या चाहते थे कि इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा, किराया बंगला और खेती की ज़मीन, तो ये होगा ठीक है। किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार हो गए है ना, तो ये सारा का सारा घरेलू सामान का होता है। अब क्या क्या था उसमें देखिए, घरेलू सामान में 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलछे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कछलियाँ, 2 आधा घूटने की परात आटा घूटने की पराठे। तो देखिए जो किचन का सामान होता है ना, पतीले, पतीले मतलब ऐसे करके बड़े बड़े बर्तन से होते थे जिनमें खाना बनाया जा सके, अलग अलग शेप के ऐसे भी होते थे, अलग अलग शेप के पतीले जिसमें खाना बन सके। फिर ये तांबे के कलश होते थे पानी भरने के लिए पहले ज़माने में, चारपाइयाँ ताकि लोग सो सके, सॉरी ये चारपाइयाँ नहीं तिपाइयाँ हैं, 3 पहियों की जिसपे मतलब बैठ करके खाना वगैरह बनाया जा सके, कढ़ाई चाहिए, 10 रतल खाना पकाने योग्य चाहिए, 3 कछलियाँ वही ना ऐसे करके कछली वगैरह जिससे सब्जी वगैरह चलाई जाती है, आटा गूंथने के पराठे चाहिए, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला चाहिए, 3 केतलियाँ जिसमें से चाय हो सके या फिर दूध हो सके, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन चाहिए, 5 पतीले के ढक्कन भी चाहिए, 5 अनाज रखने के बर्तन चाहिए, 3 तहियाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरी, 10 ग्लास, अलग अलग मतलब छन्नियाँ वगैरह, जितना भी किचन का सामान होता है वो देखिए उन्होंने कितनी बारीकी से लिखा हुआ है, और मतलब एक पर्सन ही काम कर रहे हैं गांधी जी खुद। और झाड़ू चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए, मेज़े, और 6 किताब रखने की अलमारियाँ, 10 3 दवाते, पहले उतर दवात में पेन डाल डाल के इंक निकाल करके और लिखा जाता था, तो और 6 काले तख्ते चाहिए, 6 रैक वगैरह जिसमें सामान रखा जा सके, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, गुजरात का, 5 हथकरघे, हथकरघे मतलब वो चरखे वगैरह जो चलाते थे, बढ़ई के औज़ार, मोची के औज़ार, खेती के औज़ार, 4 खाट 4 पाइयाँ, 1 गाड़ी भी चाहिए, और लालटेन, क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी तो रात के समय लालटेन ही जलाई जाती थी, 3 कमोड और 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियाँ। तो ये सारा का सारा, तो बेसिकली आश्रम में क्या क्या सामान चाहिए था उसका इन्होंने लिखा हुआ है गांधी जी ने। अब चौके का सामान, चौका मतलब पूरा खाने वाने का, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपये, तो ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए होंगी। फिर लिखते हैं, मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औज़ारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरी बहुत से औज़ार भी चाहिए, किंतु इन हिसाब में मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। तो फिर इसमें वही है कि इन्होंने जो राजमिस्त्री मतलब वही जो घर बनाने का काम करते हैं उनके औज़ार इन्होंने इस खर्चे में नहीं लिखे, और भी बहुत सारे इन्होंने खर्चा नहीं लिखा है लोहार वगैरह का, जो लोहे का काम करने वाले, क्योंकि इनका था कि बेसिकली आश्रम के ही लोग बांट के सारा काम करेंगे, तो जितना लोहार हो गया और मोची हो गया कोई भी काम हो वो आश्रम में खुद ही कर लिया जाएगा, तो उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि वो किस तरीके की जीवन जीने की बात करते थे, जिसमें इंसान आत्मनिर्भर हो, खुद ही वो सारे काम करे, खुद सीखे, पढ़ाई लिखाई करे, उसका खान पीन कैसा होना चाहिए, रहने का ढंग कैसा होना चाहिए, वो सारा सारा हमें इससे पता लगता है। तो चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।